दस की करां तेरे ते मरां कहण तो डरां कह लैण दे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिंगर की जिन्होंने अपने कुछ ही गानों में म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमा लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में तेजी से फेमस हुए पंजाबी सिंगर काका की। काका के 3 गाने इतने ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं, और उनके गानों पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों शॉर्ट वीडियो बन चुके हैं। जैसा कि आप सबने देखा है, काका का रंग काला है, और ये काला रंग अब उनके लिए इसलिए भी खास हो चुका है क्योंकि ये उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। ये तो सच है कि वो कुछ ही महीनों में और कुछ ही गानों में करोड़ों दिलों पर छा गए, पर सच ये भी है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से रिजेक्शन का सामना किया है। वो खुद इंस्टाग्राम पर बताते हैं कि उन्हें उनके आइडिया के लिए रिजेक्ट किया गया, उनकी वॉइस के लिए रिजेक्ट किया गया, लव प्रपोजल में रिजेक्ट किया गया, बहुत सी जॉब से रिजेक्ट किया गया, चेहरे की वजह से रिजेक्ट किया गया, सॉन्ग्स रिजेक्ट किए गए, कंपटीशन में रिजेक्ट किया गया, आर्ट में रिजेक्ट किया गया, सोशली मेंटली इमोशनली और उनकी थिंकिंग को भी रिजेक्ट किया गया। इतने सारे रिजेक्शन के बाद भी काका ने हार नहीं मानी क्योंकि सिंगिंग उनका पैशन है, और सभी के मना करने के बाद भी उन्होंने अपनी पैशन को नहीं छोड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम इस वीडियो में काका की सफलता की कहानी तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनके बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। काका का जन्म 1994 में पटियाला पंजाब के एक छोटे से गांव में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। काका की फैमिली में अभी 6 लोग हैं। उनके माँ पापा के अलावा उनके एक बड़े भाई भी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, और उनसे काका का एक भतीजा भी है। काका के पापा पेशे से एक मिस्त्री हैं जो मकानों में चिनाई का काम करते हैं, और काका के बड़े भाई भी एक प्राइवेट जॉब ही करते हैं। बात करें काका की क्वालिफिकेशन की, तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव से ही की। 10th करने के बाद काका ने डिप्लोमा किया, और डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने राजपुर कॉलेज से बीटेक किया। काका जब बचपन में गाना गाया करते थे तो उन्हें उनकी आवाज की वजह से तारीफ मिलती थी, और इसीलिए सिंगिंग पहले उनका शौक बना फिर पैशन बन गया। जब वो स्कूल में थे तो स्कूल में होने वाले एनुअल फंक्शन में गाना गाया करते थे। काका को पढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं था, फिर भी वो पढ़ाई में अच्छे थे। काका के पापा बताते हैं कि काका के बड़े भाई काफ़ी पढ़ाई करते थे पर काका ज़्यादा पढ़ते नहीं थे। उनकी माँ डांटती थी कि तुम्हारे बड़े भाई पढ़ाई करते हैं, तुम भी पढ़ा करो। तो काका बोल देते थे कि आप लोग मुझे पढ़ाई की मत बोला करो, आप बस मेरी परसेंटेज देखना। और सच में काका थोड़े टाइम ही पढ़ते थे, पर स्कूल में उनकी परसेंटेज हाई रहती थी। स्कूल खत्म हुआ वो कॉलेज में पहुंचे। जो सिंगिंग वो स्कूल में करते थे वो ही उन्होंने कॉलेज में करना शुरू कर दिया। कॉलेज में होने वाले इवेंट्स में भी काका सिंगिंग करने लगे। काका के पापा को उनका सिंगिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो सोचते थे कि काका सिंगिंग में सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है, अगर वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे तो शायद कुछ बन जाए। काका के पापा ने सिंगिंग करने से बहुत मना किया और कई बार डांटा भी, पर काका ने सिंगिंग करना नहीं छोड़ा। काका को न सिर्फ गाने का शौक था, वो गाना लिखा भी करते थे। कॉलेज खत्म हुआ, काका इंजीनियर बन गए, और फिर उन्होंने जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया। काका शुरू से ही खुद के गाने लॉन्च करना चाहते थे, पर गाना लॉन्च करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और वो ये बात अच्छे से जानते थे। काका ने जब जॉब ढूंढना स्टार्ट किया तब उन्हें उनके लुक की वजह से काफ़ी जगह से रिजेक्ट किया गया। उनको अपनी पहली जॉब चंडीगढ़ में मिली थी। काका ने कई जॉब की हैं, कुछ उन्होंने चंडीगढ़ में की हैं, कुछ मोहाली में। जॉब करके जब उनके पास कुछ पैसे हो गए तो उन्होंने अपना पहला म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया। ये सॉन्ग साल 2019 के नवंबर मंथ में आया था, जिसका टाइटल था सुरमा। ये सॉन्ग काका ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया था। हालांकि इस सॉन्ग पर लोगों का कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया, और कह सकते हैं कि उनका पहला गाना सक्सेस नहीं रहा। इसके बाद मार्च 2020 में देश में लॉकडाउन लगा तो काका जॉब छोड़कर घर आ गए। काका के पापा ये भी बताते हैं कि लॉकडाउन के बाद काका घर में ऊपर वाले कमरे में ही रहता था, जहां वो हारमोनियम के साथ सिंगिंग करता रहता था और गाने भी लिखता था। काका ने उन्हीं दिनों एक गाना लिखा। सॉन्ग लिख के घर से दूर जाकर काका ने इसका वीडियो बनवाया, और वीडियो बना के एक लोकल म्यूजिक चैनल हानी रिकॉर्ड से गाना लॉन्च करने की बात कही। म्यूजिक कंपनी को उनका गाना पसंद आया, इसीलिए वो सॉन्ग लॉन्च करने को तैयार हो गए। इसके बाद 25 अक्टूबर 2020 को ये सॉन्ग लॉन्च किया गया, जिसका टाइटल था कह लेंदे।
मोहब्बतों ने गुड़ियां लेके आऊं चूड़ियां पाइना तियूड़ियां तू। ये सॉन्ग रिलीज होते ही वायरल हो गया और इतना वायरल हुआ जितना उनको खुद को भी उम्मीद नहीं थी। लॉन्च के कुछ ही घंटों बाद ये सॉन्ग यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज में पहुंच गया और इस एक ही सॉन्ग ने काका को बहुत बड़ी पहचान दिला दी। ये सॉन्ग हानी रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ था, जिन्होंने इसे सिंगल ट्रैक स्टूडियो नाम के चैनल को बेच दिया। इस तरह ये सॉन्ग दो चैनल्स पर अपलोडेड है और दोनों पर मिलाकर अभी 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। कह लेंदे के कुछ ही दिनों बाद काका ने अपने दो सॉन्ग लॉन्च किए, तीजी सीट और लिबास, जिनमें लिबास पहले सॉन्ग से भी ज्यादा वायरल हुआ और फिर से ये सॉन्ग यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पेज में पहुंच गया। कुछ दिन पहले काका ने एक और सॉन्ग लॉन्च किया था जिसका टाइटल था टेम्परेरी प्यार। जैसा शुरू के दो सॉन्ग कहलेंदे और लिबास में लोगों का रिस्पांस और प्यार मिला था, वैसा ही टेम्परेरी प्यार सॉन्ग को मिला। डार्लिंग उम्रां दा वादा कर दे। काका के पहले 6 में से 3 सॉन्ग यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज में गए थे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ ही दिनों में बहुत प्रसिद्धि मिल गई। इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो क्रिएटर्स ने जब काका के सॉन्ग्स पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो काका की आवाज़ देश में हर म्यूजिक लवर तक पहुंच गई और देखते ही देखते वो कुछ ही दिनों में स्टार बन गए। पास ढेरों म्यूजिक कंपनीज के ऑफर आने लगे, पर वो अभी किसी कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहते। वो बोलते हैं, ना मैं अपने गीत बेचता हूँ ना किसी के लिखे गाता हूँ। दोस्तों, काका को शायरी लिखने का भी शौक है, जिन्हें उन्होंने पोस्ट भी कर रखा है, जिनमें कुछ में वो अपने हालात बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है, कह रहे हैं मान जा तेरे फायदे की बात है, मेरे इर्द गिर्द बेड़ियां लेकर घूम रहे हैं, जिन्होंने दरवाजे बंद किए मुझे देखकर, अब वो मेरे रास्तों को चूम रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, काका के बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। एक टाइम था जब काका के पापा उन्हें सिंगर नहीं बनने देना चाहते थे, लेकिन आज जब काका कामयाब हो गए हैं तो लोग उनके पापा से मिलने आते हैं, साथ में फोटो लेते हैं और बधाइयां देते हैं। इस बात से काका के पापा और उनका परिवार बहुत खुश है और अपने बेटे पर प्राउड करने लगे हैं। काका जब लॉकडाउन में घर आकर सिंगिंग और लिरिक्स लिखते रहते थे तो उनके पापा को लगता था कि काका फ्री हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए टाइम पास करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। और जब काका ने अपना पहला सॉन्ग कहलेंदे लॉन्च किया था तब भी उनके पापा को कोई जानकारी नहीं थी। जब ये सॉन्ग वायरल हो गया और काका फेमस हो गए तब रिश्तेदारों ने फ़ोन करके बताया कि काका स्टार बन गया है। काका आज इंडियन सिंगिंग इंडस्ट्री के बड़े नाम बन चुके हैं, लेकिन उन्हें इस चकाचौंध भरी दुनिया का बिल्कुल भी मोह नहीं है, वो बस नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। काका ने अपना और अपने पापा दोनों लोगों का सपना पूरा किया। पहले वो पापा की खुशी के लिए इंजीनियर बने, फिर उन्होंने अपने सपनों पर काम करना शुरू कर दिया। काका खुदा, भगवान, रब इन सब में यकीन नहीं रखते, वो नास्तिक हैं। काका को वर्कआउट करने का बहुत शौक है, इसलिए उनकी फिटनेस भी अच्छी है। वो एक जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, जो बहुत डाउन टू अर्थ हैं और सिंपल हैं। काका को खूबसूरत जगहों पर घूमना, ड्राइंग करना, फोटोग्राफी करना, बाइक चलाना और टेनिस खेलने का भी शौक है। तो फ्रेंड्स, ये थी सफलता की कहानी पंजाबी सिंगर काका की। उनकी कामयाबी की कहानी ऐसे लोगों को मोटिवेट करेगी जो अपने रंग, लुक, पर्सनालिटी, कद और किसी भी कमी से आत्मविश्वास खोए हुए हैं। अगर किसी में टैलेंट और कुछ कर गुजरने की चाहत है तो ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। और जब दूसरों से अलग दिखने वाले लोग कामयाब होते हैं तो सभी के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं काका अपनी लाइफ में बहुत कामयाब हों और हमेशा खुश रहें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पांस ज़रूर दें। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं या कोई बात कहना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। देख मेरे रंग वाले बदलों ने तेरे रंग वाले सूरज नू जफी पा ली, नक जा चढ़ाउनी है ते ओड़ियां तू पौनी है तू तेरी आकड़ ने खा ली। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।